और बेहतरीन क्वेश्चन देखो, जबरदस्त बोलता है लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो पता ही भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x का सिंबल है, एंड fx बी डिफाइंड बाय नेबरहुड ऑफ 2 बाय दिस, 2 के आसपास इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, 2 से जरा सा छोटे पर और 2 से जरा से बड़े, यहां पर ये दिख रहा है किसी काम का नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है। ओके तो ये आ गया a2 पर, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड f ऑफ 2 इन ऑर्डर दैट द फंक्शन कंटीन्यूअस, भैया कैपिटल a की वैल्यू निकालनी है और f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अगर अपन बात करें तो f ऑफ 2 क्या है, f ऑफ 2 बेसिकली वैल्यू ऑफ फंक्शन है और क्या, और अगर कंटीन्यूअस होना चाहिए तो वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके बराबर होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और लिमिट कब होगी, लिमिट तब होगी जब LHL इक्वल टू RHL हो जाएगा। अब यहां थोड़ा देखो, देखो यहां पर देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट में है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, राइट हैंड लिमिट में a मौजूद है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के पहले और देखो थोड़ा सा, और मैं ये दिखाना चाहता हूं exp का मतलब क्या होता है, e की पावर, आओ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें मिलजुल के, ध्यान देखो यहां पर पहले exp और खतरनाक सा कुछ लिखा हुआ, पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखा हुआ exp और exp के अंदर लिखा हुआ है x plus 2 ln 4, पहले आप इतने से हिस्से को देखो, exp का मतलब होता है e की पावर, पुराने समय में e की पावर को exp लिख देते थे, तो ये चीज आ जाएगी e की पावर ln 4 की पावर x plus 2 की पावर इसके ऊपर आ जाएगी, जो कुल मिला के 4 की पावर x plus 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4 की पावर x plus 2, चलो अच्छा बन गया भाई साहब। अब देखो अब इसको रिप्लेस करते हैं, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस 2, ये चीज बन गई 4 की पावर x plus 2, और इस पूरे की पावर चढ़ी हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 1 by 4 minus 16 upon 4 की पावर x minus 16। अब सोचो यहां लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो, x 2 से चिनन मिनन छोटा है, x 2 से जरा सा छोटा है, अगर x 2 से जरा सा छोटा है तो x plus 1 3 से जरा सा छोटा होगा, और अगर x plus 1 3 से जरा सा छोटा है तो 3 से जरा छोटा है ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 2, तो 2 by 4 half, तो ये चीज निकल के आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 2 माइनस 4 की पावर x plus 2 by 2 minus 16 अपॉन 4 की पावर x minus 16। ये हमने इसको पहले सिंप्लीफाई कर बहुत आराम से बहुत प्यार से, अब क्या करना है बेसिकली एक्सपोनेंशियल लिमिट है तो a की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे से 16 कॉमन ले लो, 16 बाहर निकालो ऊपर नीचे से, जब 16 बाहर निकालोगे 16 कट जाएगा और यहां बनेगा x plus 2 by 2 minus 2 minus 1 4 की पावर x minus 2 minus, देखो 4 की पावर 0 4 की पावर 0 आ रहा है तो हम लिमिट निकालना जानते ही हैं, सेम 0 से डिवाइड और सेम 0 से मल्टीप्लाई, इसको x minus 2 से डिवाइड और x minus 2 से मल्टीप्लाई, और इसको देखो थोड़ा सा यहां पर देखो ये जो x plus 2 by 2 minus 2 है ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये x minus 2 by 2 बन जाएगा, तो इसको भी x माइनस 2 बाई 2 से डिवाइड और x माइनस 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई, अब स्टैंडर्ड लिमिट का फायदा उठाएं, 4 की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 ln 4, 4 की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 फिर से ln 4, तो ln 4 अपॉन ln 4 कट जाएगा, x माइनस 2 कट जाएगा, बहुत ज्यादा सुंदर और सुशील। हाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट इतनी मेहनत करने के बाद क्या निकल के आ गई, हाफ, आओ लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ आ गई तो क्लियरली वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके बराबर होगी, हाफ के बराबर। अब हम क्या करेंगे, ए की ऐसी वैल्यू निकालेंगे ताकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाए, आओ इधर देखो, आओ ए की बात करें, बिल्कुल ध्यान देखिए, बिल्कुल देखिए यहां पर अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट की बात सब बच्चे बिल्कुल ध्यान देखेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास निकल के आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेज 2 प्लस प्लस, और a तो बाहर पड़ा ही हुआ है 1 माइनस कॉस x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 2 इंटू टेन ऑफ x माइनस 2, तो ये आगे निकल के भाई साहब आओ चौक बदल लेते हैं, ये हिस्सा अलग है तो अलग कर देते, हाँ भाई आंसर आने वाला है tan x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टेन जीरो अपॉन सेम जीरो की वैल्यू कितनी आ गई 1, बहुत सुंदर 2 प्लस, यहाँ a निकल के आ गया। अब यहां पर देखो
1 माइनस कॉस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है यार, क्या दिख रहा है? 1 माइनस कॉस जीरो अपॉन सेम जीरो का स्क्वायर हाफ, तो लिमिट आ गई ए बाई टू। अब सबसे पहले आप कहोगे कि एल एच एल भैया आर एच एल के बराबर होना चाहिए, तो एक ही संभावना है, ए की वैल्यू 1 और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो किसके बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल, ध्यान से कंसेप्चुअली करना है, बिगड़ लो।